बीती रात सीआईएसएफ के जवानों ने गोंदुड़ी ओपी क्षेत्र अंतर्गत गोंदुड़ी में संचालित आउटसोर्सिंग के समीप दो हाईवा को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा है। घटना करीब 1 बजे रात्रि की बताई जाती है। वहीं सीआईएसएफ के जवानों ने जब्त हाईवा को गोंदुड़ी ओपी को सुपुर्द कर दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ज्ञात सूत्रों से पता चला है कि इन दिनों गोंदुड़ी ओपी क्षेत्र में कोयला चोरी जोरों पर है और कोयला माफिया पूरी तरह सक्रिय है। बताया जाता है कि कुछ दिनों से गोंदुड़ी क्षेत्र के छोटा खरकाबाद 14 नंबर में स्थानीय कोयला माफियाओं द्वारा बगल के आउटसोर्सिंग से अवैध कोयला निकासी कर एक जगह जमा किया जाता है और फिर बड़े गाड़ियों के द्वारा जीटी रोड के किसी भट्टा में कोयला को बेचा जाता है, जिसकी एक मोटी रकम कोयला माफियाओं को मिलता है और जिस पैसे को कई जगहों पर बांटा जाता है। इसी की एक कड़ी ये जब्त हाईवा भी है। आपको बता दें कि आए दिन कोयला चोरी की घटना गोंदुड़ी क्षेत्र में पूरी तरह मकड़ी की जाल की तरह फैलती जा रही है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मौन है। अब आगे देखना है कि गोंदुड़ी ओपी में जब्त हाईवा को वरीय पुलिस अधिकारियों के द्वारा क्या कानूनी कार्रवाई किया जाता है या फिर किसी सफेदपोश कोयला माफियाओं के पैरवी के बाद छूट जाती है। सीआईएसएफ के जवानों द्वारा हाईवा को गोंदुड़ी ओपी में सुपुर्द करने के बाद ओपी के बाहर हाईवा को छुड़ाने के पैरवी को लेकर कोई लोग घूमते भी नजर आ रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर जब गोंदुड़ी ओपी प्रभारी से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर जांच चल रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।